नए साल की शुरुआत होने जा रही है और हमारे साथ विशेषज्ञ पंडित जी अभिषेक जुड़े हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी आज आप हमको ये बताइए, जो अलग अलग राशियां हैं उन पर नया साल क्या प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले पहली राशि मेष की बात करते हैं। कहा जाता है कि इस राशि के लोग गुस्सेल ज्यादा होते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो किस तरीके से ये नया साल इनके लिए इनको इनका गुस्सा इनके लिए क्या हानिकारक होगा, क्या होगा मतलब इनके लिए इस साल में शुभ और अशुभ? मेष राशि वालों के लिए वर्ष अति मतलब शुभ शुभ है इस साल का, जो नया साल 2018 मेष राशि वालों के लिए बड़ा शुभ रहेगा ये, क्योंकि मेष का स्वामी जो मंगल है इस समय धनु पे संचार कर रहे हैं, और जो स्वामी है मेष राशि वालों का तो उनकी जो ज्ञान में ना इस बार वृद्धि होगी इस साल नए साल में, और संयम बनाए रखेंगे, ये साल उन लोगों के लिए मंगलकारी होगा। तो मेष राशि वालों के लिए तो आपने हमें बहुत अच्छी खबर सुना दी है कि ये साल आने वाला उनके लिए मंगलकारी होगा, शुभ रहेगा, और बड़ा अच्छा रहेगा। व्यापारिक तौर पर भी मंगल, जैसे पीछे अभी पीछे लास्ट टाइम पिछला वर्ष जो गया है भूमि से संबंधित जो भी व्यापार करते थे उनके लिए नुकसानदायक रहा, लेकिन ये साल मेष राशि वालों को प्रॉपर्टी से संबंधित व्यापार जो लोग करते हैं मेष राशि वाले, उन लोगों के लिए ये साल काफी बहुत अच्छा कुछ घटित होने वाला है। जी जी, तो मतलब मेष राशि की आने वाले साल में चांदी ही चांदी होगी। चांदी ही चांदी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप हमें वृषभ राशि के बारे में बताइए। कहते हैं कि ये लोग नई चीजों को बहुत मुश्किल से स्वीकार करते हैं, तो क्या ये नया साल और आने वाले बदलाव इस राशि के लिए मंगलमय होंगे? बिल्कुल, वृष राशि वालों के लिए भी ये साल मंगलमय ही होगा, क्योंकि वृष का जो स्वभाव है ना स्थिर राशि कहा जाता है, वृष बैल के स्वभाव के स्थिर राशि होने, वैसे स्वाभाविक तौर पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बड़े गंभीर से स्वभाव के होते हैं। जी जी जी, उनके अंदर गंभीरता बहुत पाई जाती है। जी जी जी। तो किसी भी विचार किसी भी कर्म को करने से पहले बहुत उनका मंथन करते हैं, तब जाकर किसी निर्णय पे पहुंचते हैं वो। जी जी। ठीक है ना, तो ये वर्ष वैसे उन लोगों के लिए भी मंगलकारी है। कांच से निर्मित वस्तुएं, कांच से संबंधित सुगंधित चीजों का जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए काफी लाभकारी है। तो वृषभ राशि में वैसे तो ये मंगलमय है उनके लिए साल, लेकिन जो कांच का व्यापार करते हैं और उन लोगों के लिए विशेषतया हाँ विशेष लाभ होगा। मिथुन राशि पर आते हैं पंडित जी। मिथुन राशि के लिए कहा जाता है कि इस तरीके के लोग बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं, चीजों को नजरअंदाज ज्यादा करते हैं, तो क्या ये आने वाला साल इनके लिए नए तोहफे लेकर आएगा? बिल्कुल, तोहफे तो लाएगा, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए सबसे वैसे प्रेम का सूचक मानते हैं मिथुन राशि वाले, बड़े हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग, और बहुत ही मतलब प्रेम सूचक होते हैं ये सदैव, मतलब पार्टनर इनके पास जरूर होता है किसी न किसी रूप से, मित्र चाहे महिला या पुरुष कोई भी किसी तरह से मित्रता, मतलब दोस्त और मित्र। हाँ बिल्कुल, हमेशा ये दोस्तों में घिरे रहते हैं। जी जी जी, हाँ ठीक है ना, और तो इनके लिए ये साल भी नए नए मित्रों का मिलना इनका, और ये साल इन लोगों के लिए भी सम रहेगा, सामान्य रहेगा, मतलब ना ज्यादा सामान्य स्थिति रहे, क्योंकि मिथुन का जो स्वामी बुध है, बुध इस वर्ष का जो बुध का स्थान जो है ना वो भूमि पर है, तो भूमि पर रहने की वजह से वो है कुछ नई चीजों का ज्यादा समावेश नहीं है इस वर्ष इन लोगों के लिए। जी, तो मतलब नई चीजें ये लोग इस साल पर नई चीजें नहीं कर पाएंगे ज्यादा, और सामान्य रहेगा साल, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ऐसा जो मिथुन राशि वालों को आप बताना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा करें जो? बिल्कुल, मिथुन राशि वालों के लिए ये साल गौ सेवा बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगी। कर्क राशि की बात करते हैं, ऐसे लोगों को आलसी कहा जाता है, तो क्या नया साल इनमें सुपूर्ति भरेगा, क्या इनके लिए नया साल शुभ होगा? बिल्कुल, कर्क राशि वालों का अभी जो चंद्रमा है, चंद्रमा वैसे श्वेत ग्रह माना जाता है और जल का तत्व ग्रह है, जल कभी भी स्थिर नहीं होता हमेशा। जी जी, ठीक है, तो इस कारण से ऐसे व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति के तो होते हैं लेकिन दिमाग इनका शांत नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ इनके दिमाग में ही बातें चलती चलता रहता है। जी जी जी, ठीक है ना, तो स्थिर स्वभाव के नहीं होते, अस्थिर स्वभाव के होते हैं, और बड़े ही पानी की तरह निर्मल साफ स्वच्छ मन के होते हैं, जो करते हैं अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं लोग, ये वर्ष इन लोगों के लिए भी ठीक है, बढ़िया है। जी, तो कर्क राशि के लिए भी ये साल मंगल ही रहेगा। सिंह राशि का बताइए पंडित जी। सिंह राशि में अमूमन लोग ये समस्या सिंह राशि वालों के साथ होती है कि उन्हें मूड स्विंग्स, समय के साथ साथ उनको गुस्सा आने लगता है, फिर कुछ समय के बाद वो सामान्य हो जाते हैं,
सिंह का जो स्वभाव ही हिंसक प्रवृत्ति का होता है, मतलब इनके मन की बात अगर हो गई तो बहुत अच्छी, अगर इनके मन के विपरीत कोई भी चीज हो तो बहुत तीव्र गति में इन्हें क्रोध आता है और ये हिंसक भी हो जाते हैं कई बार। जी 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 जी, गुस्सा तो इन्हें बहुत जल्दी आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके लिए क्या, ये क्या इनका गुस्सा नए साल में इन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है? ये साल इन लोगों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है सिंह राशि वालों के लिए। शुभ नहीं है सिंह राशि के लिए। शुभ नहीं है क्योंकि शनि की दृष्टि सिंह राशि पर इस बार पड़ रही है, शनि धनु राशि में संचार करने की वजह से। शनि की दृष्टि जो है शत्रु राशि है, ये सिंह सूर्य का की राशि है जिस पे शनि की दृष्टि पड़ती है। पंडित जी कहते हैं कि अगर शनि की दृष्टि किसी पे पड़ जाए तो उसके साथ फिर क्या हो, ये तो राम भरोसे होता है। हाँ, तो कैसे ये अपना शनि कैसे सुधारे इस साल की के शनि लिए? का जो स्थान बताया जाता है हमारे नासिका में बताया जाता है जी, शरीर में जी। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रातः उठकर प्राणायाम करना चाहिए जी। और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल दें, वहाँ तेल का दीपक लगाएं, इनके लिए काफी शुभ कार्य। पीपल के वृक्ष पर दिया लगाएं व पीपल के वृक्ष को जल दें, तब इनका शनि जो है वो इन पर बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। बिल्कुल नहीं डालेगा जी। तो सिंह राशि वालों के लिए यहाँ जरा बुरी खबर थी। कन्या राशि का क्या? पिछला साल जो कन्या राशि वालों को परेशानियाँ थी काफी, ये साल इनके लिए बहुत ज्यादा मंगलमय। कन्या राशि के लिए शुभ समाचार आ गया है। तुला की बात करते हैं पंडित जी। तुला के लोग अपना स्वाभिमान बहुत संभाल कर रखते हैं, क्या इनका स्वाभिमान आने वाले साल में इन्हें परेशान करेगा या फिर इनके लिए इनका स्वाभिमान फायदे का सौदा होगा? इस बार तुला राशि वाले जो सामान्य स्थिति रहेगी तुला राशि वालों के लिए, मुख्य तौर पर मैं इनके लिए व्यापार के दृष्टिकोण से ही बात करूंगा मैं आपसे, कि इस बार तुला राशि वालों के लिए व्यापारिक स्तर जो इनका है वो ऊपर जाएगा जी। पीछे पिछले 1.5 वर्षों से जो व्यापारिक स्तर इनका नीचे जा रहा था तुला राशि वालों के लिए, ये काम तुला राशि वालों के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों का ये वर्ष बड़ा ही मंगलकारी होगा। और पंडित जी, तुला राशि के जो लोग होते हैं वो अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या ये जो मैंने पहले आपसे बात कही कि अपना स्वाभिमान बहुत संभाल के रखते हैं, तो क्या रिश्तों में क्या किस हिसाब से तुला राशि के लोगों को? तुला राशि वालों का स्वभाव जो होता है समर्पण होता है बहुत ज्यादा। जी जी जी, तुरंत समर्पित हो जाते हैं किसी भी मतलब रिश्तेदारी कोई भी रिश्तों में ना समर्पित होते हैं, समर्पण करते हैं, ये अपने ना सेक्रीफाइस करते हैं अपनी भावनाओं का ना, मतलब मूल जो है ना अंतों को संभालने में अपनी भावनाओं को काफी हद तक त्याग कर देते हैं। मतलब तो स्वाभिमान के साथ साथ बलिदान भी इनका एक विशेषता है। जो होता है ना इनका विशेषता है। जी 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 जी, तो इनके रिश्ते जो हैं वो इस साल संभले रहेंगे। बिल्कुल जी जी जी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं पंडित जी। स्कॉर्पियो इस राशि में कहते हैं कि लोगों को जेलसी ज्यादा होती है, तो क्या इस राशि वालों के लिए नुकसान, क्या उनके लिए ऐसा वो क्या करें जो साल जो है उनका मंगलमय बीते अच्छे से निकले? वृश्चिक राशि वालों के लिए ना ये साल थोड़ा कष्टकारी रह सकता है क्योंकि वृश्चिक राशि पर ना शनि की 7.5 चल रही है इस बार। जी जी जी, तो 7.5 होने की वजह से थोड़ी परेशानी है। 7.5 तो बेहद हानिकारक होती है किसी भी राशि के लिए, तो क्या किया जाए? वृश्चिक राशि के लोग क्या करें ऐसा जो शनि का? वृश्चिक राशि जो मंगल की है तो इस वर्ष उन्हें ना मंगल की उपासना बड़ी लाभकारी होने के लिए हनुमान जी की पूजा करें। जी जी जी, लेकिन पंडित जी हनुमान जी की पूजा किस तरीके से, मतलब जो सामान्य पूजा हम करते हैं हनुमान चालीसा का जाप? प्रतिदिन हनुमान जी का होता है हनुमान चालीसा का। वैसे तो हनुमान चालीसा का प्रावधान सायंकालीन ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, तो सायंकालीन हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार और मंगलवार के दिन ज्यादातर ज्यादा। ऐसा कहते थे कि एक बार बजरंग बली ने शनिदेव को काफी परेशान कर दिया था, जब शनिदेव ने उन पर शनि की 7.5 लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसे में बजरंग बली अपने भक्तों को बचा सकते हैं शनि के प्रकोप से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वृश्चिक राशि के लोगों को यहाँ पर बजरंग बली से मदद मांगनी होगी। धनु राशि के लिए तो आपने हमें बताया ही कि बेहद मंगलकारी होगा इनका ये साल। पंडित जी मकर राशि का क्या हाल होगा? मकर, कुंभ और मीन राशि, ये तीनों राशि किस तरीके से इस साल में इनके दिन निकलेंगे? ये राशियां मतलब सामान्य से कुछ अधिक अच्छी रहेंगी।
तो जो मंगलकारी है इस बार वो मेष राशि के लिए ये साल है, और धनु राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं सिंह और वृश्चिक राशि को यहाँ पर जरा चिंता का विषय है इनके लिए। विषय है। हाँ जी पंडित जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने जितनी भी हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों के लिए काफी ये जरूरी थी और उनके लिए काफी लाभदायक भी रहेगी। आपको जी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से आपसे आपको जरूर जुड़ेंगे पंडित जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।